हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिए 700 ग्राम मछली, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है। अब हमने लिया एक बाउल, जिसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें तंदूरी रेड फूड कलर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब इस पेस्ट में हम मछली के पीसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 घंटे के लिए ढककर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे और फिश के पीसेस को मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अगर आप हमारे तरीके से फिश को फ्राई करेंगे तो फिश 3 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगी और ऑयल भी गंदा नहीं होगा। अब हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने लिया है एक मीडियम साइज का टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा और 1 मुट्ठी हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। अब मैं आपको फिश की प्लेटिंग कर दिखाती हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।